जनपद हरिद्वार के मोहल्ला शारदा नगर स्थित जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रीता चमोली ने जरूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया। राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। सभी लोगों से लॉकडाउन का समर्थन करने की अपील की गई कि सभी लोग अपने घर में रहें। घर में रहना ही कोरोना जैसी महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है। जिला अध्यक्ष रीता चमोली, उपाध्यक्ष रेणु शर्मा, जिला मंत्री रजनी वर्मा, जिला महामंत्री रीमा गुप्ता आदि उपस्थित रहे। कुलदीप राय के साथ मीरा कटारिया की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं कुलदीप राय, इंडिया 24 टीवी न्यूज से। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा स्पर्श गंगा की तरफ से राशन वितरण का कार्यक्रम चलाया गया है और मैं पूछना चाहूँगा सभी को पता है कि इस समय कोरोना आपदा जो चल रही है उसको लेकर हमारी जो सरकार है वो बहुत प्रयास कर रही है। हर वर्ग को लाभकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं और हमारा ये प्रयास है कि हर तक हमारा ये जो हम कर रहे हैं जन लाभ योजनाएं वो चला रहे हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिन तक हम लोग नहीं पहुँच पाते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार में काफी सदस्य होते हैं और आजकल लॉकडाउन चल रहा है जिसके चलते जरूरतें ज्यादा बढ़ गई हैं और आमदनी का साधन कम हो गया है। तो हम लोगों को उन लोगों को हमने चिन्हित किया कि जिनके यहाँ सरकार ने तो प्रयास किया है लेकिन जरूरतें ज्यादा होने के कारण उनको वो जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हम बहनों ने मिलकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी बहनें हैं और स्पर्श नगर की जितनी भी बहनें हैं उनका एक छोटा सा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।